अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज वगार बेग एंड आपके सामने डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर मईन साहब। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रजू करें। उसके लिए हमने वकील साहब से बात कर ली और इसके बाद जो मेरी तरफ से हो सकता था वर्जीनिया एडवोकेट एकेडमी की तरफ से, तो वो तलबा जो आजकल परेशान है उनके लिए हमने अपनी कंट्रीब्यूशन कर दी है। यानी जो जिम्मेदारी हम पे जाहिर होती थी या लागू होती थी वो हमने पूरी कर दी है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को पैगाम देना, इंशाल्लाह हम लोग डॉक्टर साहब वर्जीनिया एडवोकेट एकेडमी हमेशा आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। कल हम गए थे, हमारी टीम गई थी और शरफदर साहब से मिले एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके उनसे बात हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीएमबीसी के खिलाफ केस करने की, क्योंकि पीएमबीसी एक रेगुलेटिंग बॉडी है। तो पीएमबीसी से हमने कोर्ट के थ्रू ये करना है कि ईटा टेस्ट हुआ है ये फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं, तो इसको जो है नल एंड वाइट करार दिया जाए, इसको कैंसिल किया जाए और प्रॉपर तहकीकात के बाद किसी और एजेंसी को टेस्ट सौंपा जाए। इंशाल्लाह इस हवाले से हमारी एफर्ट जारी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी।